मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। वेस्ट बंगाल का मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव में हम लोग है। आज मैं आप लोगों को जो दिखाने के लिए मेनली आई हूँ वो है बीटल लीफ, पान पत्ता। मैं पूरा आप लोगों का दिखाऊंगी कैसे ये लोग पान लगा रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं ये सब फार्मर लोग। बीटल लीफ या पान पत्ता जहाँ पर होते हैं, ये देखिए बंगाली में इसे पान की बोरोज बोलते हैं। ये देखिए कितना बड़ा, बहुत इधर से उधर 5-6 के ऊपर बोरोज है। देखिए ये देखिए बिचाली लकड़ी देकर लगाया, इस तरह होते हैं पूरा। दोस्तों देखिए बीटल लीफ या पान के बोरोज घर की तरह है, ये सब लकड़ी है, ये सब लकड़ी से ये लोग बनाया। अंदर चलिए मेरे साथ। इस तरह होते हैं पान की बोरोज। यहाँ से 75% पान वेस्ट बंगाल से पूरा इंडिया में जाते हैं, इंडिया के बाहर भी जाते हैं। इधर से देखिए पहले इस तरह होते हैं, इस तरह लकड़ी देकर ये लोग एकदम घर की तरह बनाया। चलिए लकड़ी पकड़ी, ये लोग पकड़ी बोलते हैं इसको। देखिए पान पत्ता को, देखिए ये नीचे से हुए, ये एकदम मनी प्लांट की तरह होते हैं। नीचे से ऊपर तक देखिए एकदम इस तरह एक लोग बनते हैं स्टिक के साथ। ये जो बोरोज है इसके हुनर है। और बोलिए आपका नाम? मीनापुर डिस्ट्रिक्ट में मैसादल ब्लॉक है, इधर ही है। और आपका ये कितने जमीन पर? 12 डेसिमल ये लोग बोल रहे हैं। देखिए ये है मिट्टी के ऊपर ही है, और ये सब लोग काम कर रहे हैं। अंदर भी है, अंदर देखिए पान का काज हो रहा है। अंदर चलिए, ये लोग पान के ऊपर काम कर रहा है। इधर भी देखिए कितना सुंदर, देखिए ये पत्ता बड़ा है, बोल रहे ये बड़ा पत्ता है। देखिए ये इसके ऊपर उठ जाते हैं, वो ज्यादा उठे ऊपर तो इसे छोटा छोटा करना पड़ेगा। 5 फुट होते हैं, 5 फुट से ज्यादा नहीं। ये बहुत बड़ा हो गया और नीचे तरफ लटक रहे हैं, इसीलिए इसको एक देखिए इस तरह ये लोग यूज करते हैं। इसको जून कहते हैं। दिखाइए, देखिए सामने दिखाइए, आइए आइए, पूरा पूरा बंडल दिखाइए। देखिए इस तरह होते हैं। इसके साथ वो जो बीटल लीफ पान वो स्टिक के साथ वो लोग बांध देते हैं। डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, देखिए इनडायरेक्ट सनलाइट, मतलब ये तो एक ग्रीन हाउस की तरह ही है पूरा। देखिए इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए। मिट्टी के साथ क्या क्या मिलाया? सरसों खैल, हाँ, सुपर फास्फेट और गोबर, मैंने गाउडंग, पुराना गाउडंग एंड डीएपी, बादाम। और उसके साथ ये बोल रहे बादाम खली, नीम खली है? नीम का हमारे व्यवहार करी नहीं, नीम डाला अगर ना भूसे जा। नीम खली इसमें नहीं डालना चाहिए, महीने में एक बार करके विटामिन देना बहुत जरूरी होते हैं। बोलिए पोका ऐसे जोकी पे पोका लगे, हाँ पोका औषधो मारते हो, हाँ 15 दिन छाड़ा मारते हो पोका। 15 डेज अंतर कीड़ा मरने की दवाई देखते हैं। कौन कौन? एक तरह रोगर दो बार करिए, आरो विभिन्न रकम। कितने देना है? मतलब पानी 10 लीटर पानी में 15 ml मिलाकर शाम 5 बजे के बाद इधर से पानी देना होता है। देखिए पूरा ये लाइन ये तो एक लाइन की तरह है। देखिए इधर एक, इधर एक, इधर एक, ये सब लाइन है। देखिए एक रो में, देखिए एक रो में एक कितने पान होते हैं? डॉक्टर जो हम लोग का जो पाई होता है इसको पाई बोलते हैं। इसको पाई बोलते हैं, अच्छा हाँ बोलिए। हाँ एक पाई में 100 करके निकलता है। हाँ सब 15 दिन अंतर पानी देना है, मतलब पाइप से देना है पानी, एकदम भर के पानी देना है। पत्ते के ऊपर नहीं है, नीचे पानी देना है, मिट्टी के ऊपर पानी देना है। डिस्कलर हो, हाँ कलर फेड हो जाते हैं, कलर ना हले तो हाँ। इस टाइम पे स्प्रे करना है,
ডাইথেনেম 30% আচ্ছা ডাইথেনেম জড় মে দেনা হ্যায় নিচে জড় সড় না যায় ইসিলিয়ে ডাইথেনেম দেতে হ্যায় এ লোক কোন সা টাইম আপ লোক লাগাতে হ্যায় आषाढ़ मतलब पूरा जुलाई बरसात के टाइम पे ये लोग लगाते हैं, विंटर में नहीं होते हैं। बरसात के टाइम पे लगाने के बाद और पूरा कंप्लीट कितने दिन लगते हैं? घर बनाते हो घर बनिए लगाते हो अच्छा। उटा चारा उठते मिनिमम दो मास समय लगे। टू मंथ्स छोटा पौधा होते चारा हो दो मास समय लगे। टू मंथ्स लगेगा इतना होने में दुकान कितने साल रहते हैं? साल तो पड़े ही 10 इयर्स। सोचिए सोचिए 10 इयर्स 10 साल तक ये जो पान 10 इयर्स रहेगा बहुत दिन खाद और मिट्टी एक साथ जड़ के नीचे देना है। कितने दिनों के अंतर अंतर देना है? 3 महीने अंतर अंतर ये जो 5 फुट लंबा तक हो जाए लंबा तक हो जाए तब मिट्टी और खाद देना है 3 महीने अंतर अंतर। আর ইধার দেখি ইধার বড়া হ্যাঁ বড় এইভাবে ছোট বড়া দেখিয়ে এ হ্যাঁ বড়া বড়া হয়ে যায় তো ছোট করলাম আর উপরে তো যাওয়া যাবে না আবার যখন বড় হয়ে যাচ্ছে এইভাবে ছোট করছে। আচ্ছা আপনক দেখিয়ে কিস তারা এই লোককে গ্রিন হাউস কি তারা এলে বানাতে হ্যাঁ এ দেখি পুরা দেখি পুরা ইধার সে ইধার আপনার নাম কি? আপনার নাম সুকেশ খাসকি খাসকি লাখ তোমার আচ্ছা এসব কাম করতে হ্যাঁ ইধার আর কিতনে দিন কে বাদ প্যাকিং হতে হ্যাঁ পান ইধার সে পান আমরা ওই ওকে গোচ করতে হয় সাইজ করতে হবে গুছে নিয়ে আরো তো যেতে হবে আরোকে বিক্রি করতে হবে। এ সব লোক এ গাঁও সে এক এক জায়গা হ্যাঁ ইধারই পাঁচ পাঁচ 8-10 কিলোমিটার কে অন্দর অন্দর যাকার এক সাথ সব কাট দেতে হ্যাঁ উধার সব অলগ অলগ টাইপ কে সব লোক আতে হ্যাঁ ও বিজনেসম্যান ও সব আকার এ সব বড়িয়া মে জিতনে পান হতে হ্যাঁ সব লেকার ইন্ডিয়া কে বাহার ইন্ডিয়া কে সব স্টেট মে সব যাতে হ্যাঁ আর এক এক বড়িয়া মে কিতনে পান হতে হ্যাঁ বড়িয়া মে দেখিয়ে দোস্ত 100 পান বিটেল লিভস ইসকা প্রাইস সিরপ 300 রুপিস ইয়া 400 রুপিস আর দেখিয়ে ইধার কিস তারা হতে হ্যায় আর ভি ইধার জানা হ্যায় মুঝে আর ভি আপ লোগো কো দিখানা হ্যায় ইস তারা দেখিয়ে আমফান মে সব ডিস্ট্রয় হো গিয়া থা সব আবি সব ঠিক কর রহে হ্যায় লোক দেখিয়ে 5 ফিট তক উঠ গে পান পান কি পাত্তা আর এ দেখে এ ছোটা ইসি তারা রাখনা হোগা মতলব হ্যাঁ হ্যাঁ এ বড়া হো গিয়া আর ইধার দেখি এ এ ছোটা হ্যায় কিস তারা কর রহে হ্যায় ইস তারাই হোতে হ্যায় পান পান কাল্টিভেশন বিটেল লিফ এসেই হোতে হ্যায় देखिए पान के पत्ते कितना सुंदर लग रहे कितना बड़ा बड़ा देखिए ऐसे ऊपर ये देखिए मेरे पैर नंगा है ये सब भगवान की होते हैं पान भगवान के पूजा में देते हैं सब लोग इसीलिए देखिए सब पान को भगवान जी की तरह श्रद्धा चाहिए पान को इसीलिए सब नंगे पाए सब काम कर रहे हैं। देखिए इसका पैर भी खाली है क्या देखा इतना अच्छा लग रहा है मन भर रहा है भर गया मेरा देखिए इधर उधर क्या देखिए कितना दिखा है চুনা চুনা দেনা হ্যাঁ কেটে কেটে কত ইঞ্চ করে 1 ইঞ্চ করে কেটে কেটে লাগানা হ্যায় পাই মাটি সুর কাট কাট কর লাগানা হ্যায় ও উধার এক পান গিরে হ্যায় দেখিয়ে দোস্ত ইস টাইপ কাই কাট কাট কর আপ লাগা সকতে হো গামলা ভি ভি লাগা সকতে হো জাইসে লোক লাগাতে হ্যায়
सब लोग तो पान की बारिश की तरफ आ नहीं पाएंगे, तो इसी तरह आप लोग लगाएंगे मनी प्लांट की तरह, ये हो जाएगा। ये सब काट रहे हैं, फिर से बना रहे हैं, देखिए एकदम केयरफुली करना है, आप ठीक से केयर नहीं करेंगे तो एकदम खराब हो जाएगा। विंटर में पत्ता कम होते हैं, छोटा छोटा हो गया, लेकिन प्राइस ज्यादा होते हैं, और बरसात में ज्यादा पान होते हैं, और उस टाइम प्राइस कम देते हैं। इतना बड़ा बड़ा आप सब इसी तरह पान लगाएंगे केयरफुली, तो आपका पान अच्छा हो जाएगा। ये जो पान देख रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं ये सबसे बेस्ट पान है इधर का, ये काली बांग्ला पान। और दो बरगाई मीठा सोनार बांग्ला, सोनार बांग्ला मीठा, बरगाई काली बांग्ला पान। देखिए मीठा मीठा पान के बाद ये पान होते हैं। मीठा पान कहाँ है? मीठा पान है, अच्छा मीठा पान इधर नहीं है, अच्छा इधर मीठा पान ज्यादा अच्छे नहीं होते। आज यही तक, अगले नई कोई वीडियो में मुलाकात होगी। नमस्ते।